दोस्तों Redmi Note 10 सीरीज के शानदार लॉन्च के बाद अब पब्लिक को इंतजार है Realme के नंबर सीरीज का हर साल की तरह इस साल भी, क्योंकि Realme अपना ये स्मार्टफोन जो लाने वाली है नंबर सीरीज, ये कैमरा सेंट्रिक रहने वाला है। 108 मेगापिक्सल का हाइप बना हुआ है मार्केट में। माधव सेठ जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल को 108 MP में ऐड कर दिया है। इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि इस बार 120% चांसेस है कि आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो Realme के इस नंबर सीरीज में तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। पहला है Realme 8, दूसरा है Realme 8 4G एंड तीसरा है Realme 8 5G। ये Realme 8 एंड Realme 8 4G वाले में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करने के लिए डेफिनेटली वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। और क्या होंगे इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइसिंग क्या होगी, इसका लॉन्च डेट स्पेसिफिकली क्या होगा, जानेंगे पूरा डिटेल्स इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। चैनल पर नए हो या आवाज पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना, और आज का भी लाइक का टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 100, जो आप इजीली पूरा कर दोगे। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले Realme का जो बॉक्स है 8 सीरीज का, वो सामने निकल कर आया था, जिसमें स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह से दिखाए गए थे। 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा, हेलियो के G95 का गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, 5000 mAh की बैटरी 30W के फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी, और वही डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड फुल स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्पेसिफिकेशन डिब्बे के पीछे बैक साइड में देखने को मिला था, और ये जो इमेज है 108 मेगापिक्सल के Realme 8 Pro के सेंसर से क्लिक किया गया था। अगर आप इमेज को जूम करोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। तो इससे तो और बात श्योर हो जाती है कि Realme 8 Pro जो सीरीज है वो 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ ही आने वाली है। अब वही बात करें दोस्तों इसके आगे वाले मॉडल की, तो यहाँ पे आपको जो 4G वर्जन है वो Geekbench के ऊपर लिस्ट हुआ है मॉडल नंबर RMX3081 बोल के, और इसमें दो मेजर बड़े चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा इसका रैम, जो कि 8GB मॉडल देखने को मिलेगा इस 4G वाले वर्जन में, और जो पिछला मॉडल मैंने आपको बताया उसमें 464GB एंड 6128GB वाला ही वर्जन अवेलेबल होगा। और साथ ही में Realme 8 4G वाले वेरिएंट में आपको Qualcomm के Snapdragon के 720G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे Helio एंड Snapdragon में किसको आप चूज करोगे ये डेफिनेटली आपके ऊपर होगा। प्राइसिंग में थोड़ा मोटा डिफरेंस तो जरूर आने वाला है, इसके अलावा कुछ मेजर डिफरेंस मुझे नहीं लगता है कि रहने वाला है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं दोस्तों अपने Realme 8 Pro के 5G वाले मॉडल में। प्रोबेबली चांसेस है कि ये 5G होगी, क्योंकि अगर Realme को ये स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज्यादा सेल आउट करना है देन डेफिनेटली दो फीचर्स Redmi Note 10 सीरीज से इसे ज्यादा देने होंगे। सबसे पहला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि एमोलेड पैनल है, और दूसरा है 5G प्रोसेसर, जो Redmi Note 10 सीरीज में आपको देखने को नहीं मिला था। अगर ये दोनों फीचर Realme इसमें इनबिल्ट कर पाती है देन डेफिनेटली गारंटी है कि ये स्मार्टफोन ज्यादा बिकने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फीचर्स से लेके। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा तो 6.5 इंच का सुपर एमोलेड 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलने वाला है डिस्प्ले। तो नो डाउट डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त रहेगी, और इसके अलावा एक शॉर्ट वीडियो क्लिप भी शेयर किया गया था माधव सेठ की तरफ से। अब ये Realme 8 Pro है या उसका कोई और मॉडल, ये समझना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब दोस्तों आते हैं इसके प्रोसेसर के ऊपर। तो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 750G का होपफुली बहुत ज्यादा चांसेस है देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में, जो एक 5G चिपसेट है, और डेफिनेटली ज्यादा सेल होने के लिए इसको तो 5G लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली बात करें अगर ये चिपसेट ज्यादा देती है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट प्रोवाइड करती है तो प्राइस जो है ये 19,000 या 20,000 से कम नहीं रख सकती, अदरवाइज जो कंपनी का कॉस्ट है वो खुद अफोर्ड नहीं कर पाएगी। वही देखना काफी इंटरेस्टिंग होगी क्या होगा इसका प्राइस अगर ये दोनों फीचर्स इसके अंदर इनबिल्ट करती है। साथ ही में दोस्तों इसमें 4500 mAh की बैटरी 65W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके स्मार्टफोन को विद इन 35 मिनट से फुल चार्ज करने को दे देगी। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बैटरी थोड़ा कम है तो क्या हुआ, फास्ट चार्जिंग तो मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, मुझे फास्ट चार्जिंग ज्यादा पसंद है, बैटरी कम रहे चलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके टैगलाइन को लेके, जो कि लॉन्च हो चुका है, इन्फिनिटी लिव विथ 108 MP कैमरा या लिव विथ इन्फिनिटी, दोनों ही आप कह सकते हो, जो कि एक नया ट्रेंड होगा डेफिनेटली, और थंबनेल में भी आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने ये मेंशन ऑलरेडी कर दिया था। आते हैं इसके कैमरा फीचर्स को लेके जो बहुत ही ज्यादा हाइप में है। तो माधव सेठ जी ने कंफर्म किया है कि इन कंपेयर विथ प्रीवियस सीरीज इस कैमरा के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में ही बहुत ज्यादा अपग्रेड किए गए हैं। जो 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा वो सैमसंग के आइसोसेल HM2 का सेंसर है, जिसका रिजोल्यूशन 12,000x9,000 रहने वाला है, साथ में अपर्चर 1.8
1.52 के ऊपर बेस होगा। तो कैमरा की क्लियरिटी बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। कुछ अदर फीचर्स की बात करूं जो माधव सेठ ने रिवील किया इस कैमरा को लेके, तो सबसे पहले जो सेंसर है 108 MP का, इसमें 8 फ्रेम फ्यूजन देखने को मिलेगा। 3x इन सेंसर जूम क्लैरिटी ऑप्टिमाइजेशन दिया गया है, साथ में क्लीनर देन ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस भी बताया जा रहा है इस सेंसर को। और वहीं इसके साथ न्यू पोर्ट्रेट इफेक्ट्स भी ऐड किए गए हैं इस स्मार्टफोन में, जैसे कि AI कलर पोर्ट्रेट, नेक्सन पोर्ट्रेट एंड डायनेमिक ब्रोकन पोर्ट्रेट, जो कि काफी देखना एक्साइटिंग होगा। और साथ में स्टीयरिंग मोड जो कि ऑप्टिमाइज्ड इमेज प्रोसेस कर देगा। इसके अलावा 480x फास्टर टाइम लैप्स प्लेबैक भी देने वाला है। इसके अलावा दोस्तों टिल्ट शिफ्ट फोटोग्राफी का फीचर इस कैमरे में एड ऑन किया गया है रियलमी की तरफ से फर्स्ट टाइम, और ऐसा दावा है इस कंपनी का कि ये वर्ल्ड का पहला फीचर है जो कोई भी कंपनी अपने स्मार्टफोन में दे रही है, जो कि आएगा 10x फास्टर टाइम लैप्स प्लेबैक के साथ। साथ में जो मिनिएचर वर्ल्ड लाइक इफेक्ट है वो काफी जबरदस्त रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कैमरा का फीचर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइसिंग को लेके। तो बेस मॉडल स्टार्ट हो सकता है 13,000 से 14,000 का, जो 4G वेरिएंट जाएगा वो 15,000 से 16,000 जाएगा, और जो 5G वाला मॉडल है अगर दो फीचर्स इनबिल्ड करती है जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था तो डेफिनेटली प्राइस 19,000 से 20,000 आप लिख के ले लो रहने वाला है। अब वही बात करते हैं इसके लॉन्च डेट को लेके। तो मार्च के एंड या अप्रैल के स्टार्टिंग तक ये स्मार्टफोन डेफिनेटली लॉन्च हो सकता है इंडिया में। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है निकल के, जैसे ही आती है कुछ और एक्साइटिंग फीचर्स के साथ एक और वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल बताना मत भूलना।